इस वीडियो में हम एक और जेईई मेंस का क्वेश्चन लेने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है? अ मैन कैन स्विम एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर विद रेस्पेक्ट टू वाटर। ही वॉन्ट्स टू क्रॉस अ 1.5 किलोमीटर वाइड रिवर फ्लोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर। ही कीप्स हिमसेल्फ ऑलवेज एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फ्लो डायरेक्शन वाइल स्विमिंग। द टाइम टेकन बाय हिम टू क्रॉस द रिवर विल बी। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी होते हैं ना, आप डायग्राम बनाओ सबसे पहले। ठीक है, तो डायग्राम कैसे बनेगा? ये रिवर है, ठीक है, मैं ज़ूम करता हूँ, ये रिवर है। तो क्या बोल रहे हैं कि इट इज़ फ्लोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अपन को डायरेक्शन ही दिया हुआ है, अपन ज़ूम करते हैं कि ऐसे 3 किलोमीटर पर आवर से ये रिवर फ्लो कर रही है। ठीक है, ऐसे ये फ्लो कर रही है। और हमको ये गिवन है कि जो रिवर है उसका क्रॉस सेक्शन या फिर उसकी विड्थ कितनी है, 1.5 किलोमीटर। तो उसकी विड्थ कितनी है? 1.5 किलोमीटर। ठीक है, ये अपन को गिवन है। और क्या गिवन है? अब देखो सिंपल सा, ये जो बंदा हमको गिवन है, ये क्या करना है? ये अब देखो बहुत सिंपल सा केस है, ये जो बंदा है इसको रिवर क्रॉस करनी है, राइट? बट अपन को कंडीशन दी हुई है कि वो स्विम कैसे करता है। तो कंडीशन क्या है? ही कीप्स हिमसेल्फ ऑलवेज एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फ्लो डायरेक्शन वाइल स्विमिंग। ठीक है, वो क्या करता है? वो अपना एंगल हमेशा 60 डिग्री रखता है, किससे? फ्लो डायरेक्शन से। तो देखो फ्लो डायरेक्शन क्या है, ये रिवर का फ्लो डायरेक्शन है, तो वो अपने आप को हमेशा 60 डिग्री एंगल पे रखता है। तो ये एंगल अपन को 60 डिग्री दिया हुआ। ठीक है, मतलब ये जो बंदा है ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। देखो क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है, ही कीप्स हिमसेल्फ ऑलवेज एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फ्लो डायरेक्शन वाइल स्विमिंग। फ्लो डायरेक्शन ये हुआ, ये हुआ, तो 60 डिग्री क्या हो गया? ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, इस पे हमेशा ये स्विम कर रहा है। और कितनी स्पीड से करता है? 5 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो कभी भी ऐसे एंगल पे अपन को स्पीड या एक्सेलरेशन दिया होता है, राइट, तो हम हमेशा क्या करते हैं, उसका कॉस कॉम्पोनेंट निकालते हैं और साइन कॉम्पोनेंट निकालते हैं। ठीक है, अपन एंगल को यूज करते हैं। तो देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, अगर ये मेरे को थीटा गिवन है और ये स्पीड मेरे को दी हुई है 15 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका जो एक्स डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट होगा, इसका जो एक्स डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 15 cos θ। और जो इसका वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा ना, वो होगा 15 sin θ। ठीक है, ये बहुत बेसिक्स हैं, राइट। जब भी 2D मोशन होता है, जब भी 2D मोशन होता है, तो अपन क्या कर सकते हैं, उसका एक्स और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल सकते हैं, राइट। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एंगल पे चल रहा है तो अपन कंपोनेंट निकाल सकते हैं यार कि एक्स डायरेक्शन में ना इसकी स्पीड 15 cos θ है, वाई डायरेक्शन में इसकी स्पीड 15 sin θ। ठीक है, तो देखो जब भी ऐसे एंगल पे चल रहा है, ये एंगल थीटा गिवन है, कॉस थीटा क्या होगा? हमेशा ये वाली लाइन, राइट। और साइन थीटा क्या होगा? ये जो स्ट्रेट वाली लाइन है, या फिर आप बोल सकते हो इस एंगल के अपोजिट जो साइड है वो साइन थीटा होती है, राइट। तो ये जो एक्स एक्सिस पे आएगा ये कॉस थीटा होगा, और ये जो वाई एक्सिस पे आएगा ये साइन थीटा होगा। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक्स हैं, आपको ये पता होना चाहिए, राइट। अब देखो ये जो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा है, तो इसकी स्पीड एक्स डायरेक्शन में क्या होगी? 5 cos 60। और इसकी वाई डायरेक्शन में स्पीड क्या होगी? 5 sin 60, राइट। 60 डिग्री एंगल पे चल रहा है, तो उसकी इस डायरेक्शन में रिवर के अलोंग या फिर एक्स एक्सिस पे कितनी स्पीड हुई? 5 cos 60। और वाई डायरेक्शन में कितनी स्पीड हुई? 5 sin 60। अब मुझे ये बताओ कि इस स्पीड से मेरा कुछ फर्क पड़ता है क्या, 5 cos 60 वाली स्पीड से? ये क्या एक्स एक्सिस पे, यानी हॉरिजॉन्टल है। देखो अगर मेरे को रिवर क्रॉस कर रही है ना, मेरे को तो वाई डायरेक्शन में जाना है। अब ये ऐसे ड्रिफ्ट कितना भी हो, जो बंदा है वो ऐसे लेफ्ट टू राइट कितना भी ड्रिफ्ट हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरे को फर्क कैसे पड़ता है? मेरे को फर्क किससे पड़ता है कि यार ये ऊपर कितना जा पा रहा है, राइट। और ऊपर वाली स्पीड कितनी है? 5 sin 60, राइट। क्योंकि जैसे ऊपर जाएगा, वाई डायरेक्शन में जाएगा, तभी तो ये रिवर को क्रॉस कर पाएगा, राइट। तो इसकी जो वाई डायरेक्शन में स्पीड है वही अपने काम की है, जो हॉरिजॉन्टल या एक्स डायरेक्शन में स्पीड है वो कोई काम की नहीं है, क्योंकि वो ड्रिफ्ट कर रही है, उसको रिवर के लॉन्ग चला रही है। रिवर को जो क्रॉस कराएगी वो होगी 5 sin 60। ठीक है, अब देखो अब तो बहुत सिंपल है, अब मैं क्या करूँगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो स्पीड कितनी है? स्पीड कितनी है? स्पीड है
5 sin 60 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है मेरे को वाई डायरेक्शन में 1.5 टी, ठीक है, तो मेरे पास टी कितना निकल के आ जाएगा 1.5 डिवाइड बाय 5 sin 60, ठीक है, तो ये कितना होता है, ये होता है अराउंड 1.5 5 sin 60, साइन 60 वैल्यू कितनी होती है √3/2, ठीक है, √3/2 मैं 2 पर ले गया, ठीक है, तो ये कितना आएगा 3/√3, ठीक है, √3 आप √3 से काट दोगे, √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू क्या होती है आपको याद होनी चाहिए, आप √3/5 करके मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा, और उस आंसर को कॉमेंट्स में आप पेस्ट कीजिए और मेरे को बताइए ए बी सी डी में कौन सा आंसर करेक्ट है, ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज पोस्ट इन द कमेंट्स।